मैं प्रकाश चंद्र ढवास, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, पोस्टेड एट HDPG कॉलेज ब्यावर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है SHAB प्रिंसिपल, जिसका फुल फॉर्म सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल सिद्धांत। BSc थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक न सिर्फ BSc के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास तौर से CSIR, NET और GATE के विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक में जो टर्म इंक्लूडेड हैं वो हैं सॉफ्ट, हार्ड, एसिड और बेस। इनमें से जो एसिड और बेस हैं उन पर अलग अलग टाइम स्केल पर, अलग अलग पीरियड में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से वर्क किया है और अलग अलग तरीक़ों से इनको डिफाइन किया है। जैसे आरिनियस हाइपोथेसिस में एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच डोनेट H+ आयन्स इन एक्वस मीडिया। वहीं दूसरी ओर जलीय माध्यम में OH आयन डोनर स्पीसीज को आरिनियस सिद्धांत में बेस कहा गया। ब्रॉनस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन डोनर स्पीशीज को एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज को बेस कहा जाता है। हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बेस पर एसिड और बेस को कैटेगराइज और क्लासिफाई करने का काम लुईस थ्योरी में किया जाता है, और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज आर नॉन एज बेस। इसी वर्क को आगे बढ़ाते हुए 1963 में RG पियर्सन ने रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार से बने उत्पादों की के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करते हुए सा प्रिंसिपल दिया, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार RG पियर्सन बताते हैं कि वे उत्पाद जो कठोर कठोर अथवा मृदु मृदु अंतरक्रियाओं से बने होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि ऐसी अंतरक्रियाओं से निकलने वाली संभवन ऊष्माओं के मान जाहिर तौर पर अधिक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल में जो सॉफ्ट और हार्ड वर्ड्स हैं वो रिलेटेड हैं पोलराइजेशन से, ध्रुवण से। ध्रुवण के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाभिक के चारों ओर, परमाणुओं में जो नाभिक होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस इलेक्ट्रॉन अभ्र का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्टेड होना, विकृत होना, ये फिनोमेना पोलराइजेशन कहलाता है। इसको एक और तरीके से हम यूँ समझ सकते हैं कि किसी सहसंयोजक बंध से बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट होने की परिघटना ध्रुवण कहलाती है। जो एसिड हो या बेस हो,
जो स्पीशीज इजीली पोलराइज हो जाते हैं वो मृदु या सॉफ्ट स्पीशीज कहलाते हैं। जो स्पीशीज आइदर एसिड और बेस डेट कैन नॉट टेंड टू पोलराइज इन इजी मैनर, अर्थात जो आसानी से पोलराइज नहीं होते हैं वो स्पीशीज हार्ड स्पीशीज कहलाते हैं। इस आधार पर, पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर, एसिड्स और बेस को दो भागों में बांटा, सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड्स। ऐसे ही बेस को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस। हार्ड एसिड्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती है जिनका आकार छोटा होता है। हार्ड स्पीशीज वो हार्ड एसिड्स में वो स्पीशीज जिनका ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व रखने वाले एसिड्स हार्ड एसिड्स कहलाते हैं। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट विशेषता हार्ड एसिड्स की जो है वो ये है कि ये आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं। आसानी से ध्रुवित नहीं होने वाले अम्ल भी हार्ड एसिड कहलाते हैं। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होता है, उच्च होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए जो एनर्जी बाहर से अपने को देनी होती है वह एनर्जी आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। हार्ड एसिड्स के एग्जांपल्स के रूप में हम लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू, कोबाल्ट प्लस थ्री, एफी प्लस थ्री आदि के रूप में ले सकते हैं। इसी के साथ इससे जस्ट अपोजिट करेक्टर्स रखने वाले एसिड्स, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज जिनका आकार बड़ा होता है वो मृदु अम्ल के, जिनका स्थायित्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक होता है वो अम्ल भी मृदु अम्ल कहलाते हैं। जिनका आयनन विभव कम होता है वो अम्ल मृदु अम्ल कहलाते हैं। जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं वो अम्ल जाहिर तौर पर सॉफ्ट एसिड के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में हम देख सकते हैं Ag+, Hg+, ये अम्ल जो हैं वो सॉफ्ट अम्ल कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अम्ल की तरह हम सारों को, बेसेस को भी हार्ड और सॉफ्ट दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वे इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज जिनका आकार छोटा होता है, जिनकी विद्युत ऋणता का मान, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान हाई होता है, वो क्षार जो आसानी से ध्रुवणीय नहीं होती हैं, नॉन पोलराइजेबल होती हैं, वो कठोर क्षार कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल F-, क्लोरीन माइनस, ऑक्साइड्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, ये सभी क्षार कठोर क्षार के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। इसके अपोजिट वो इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज जिनका आकार बड़ा होता है, जिनकी विद्युत ऋणता का मान कम होता है, वो मृदु क्षार के रूप में जानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल Iodine- या वो सभी क्षार जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सभी मृदु क्षार के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्गीकरण के बाद में हम आवर्त सारणी में
इनकी पीरियोडिसिटी को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।